नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में। हम लोग रोज़ एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे कम्पिटेटिव एग्जाम हो, चाहे भर्ती परीक्षा हो, कृषि पर्यवेक्षक, एग्रीकल्चर TGT, PGT, IBPS, AFO, BHU, ICR, जो भी इस तरीके के एग्जाम होते हैं, उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को रोजाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं, सबका हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करते हैं। चलिए आज की क्लास शुरू की जाए। आज के इस क्लास में 100 क्वेश्चनों को रखा गया है, जो कि सभी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साबित होने वाले हैं। तो इस सीरीज को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बेहतरीन क्वेश्चनों को इसके अंदर लेके आए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, तंबाकू की फसल में सस्य क्रियाओं का सही क्रम बताना है, कौन सा सही क्रम है। तंबाकू के अंदर सस्य क्रियाएं की जाती हैं, तो ये बताना है सबसे पहले कौन सी क्रिया की जाती है, उसके बाद कौन सी क्रिया आती है, लास्ट में कौन सी क्रिया आती है। देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है, पहले टॉपिंग होता है, फिर उसके बाद डिस्करिंग, प्राइमिंग, फिर क्यूरिंग। क्या सबसे पहले डिस्करिंग करते हैं या टॉपिंग करते हैं, फिर उसके बाद प्राइमिंग करते हैं या क्यूरिंग करते हैं? प्राइमिंग, टॉपिंग, डिस्करिंग, क्यूरिंग, या प्राइमिंग, टॉपिंग या क्यूरिंग, डिस्करिंग? तो यहाँ पर सबसे पहली जो क्रिया होती है टॉपिंग की क्रिया होती है, उसके बाद डिस्करिंग की क्रिया करते हैं, फिर प्राइमिंग की क्रिया होती है, फिर लास्ट में क्यूरिंग की क्रिया होती है। तो इसलिए ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। WCC 75 किस फसल की किस्म है? धान की है, गेहूँ की है, जौ की है या बाजरा की है? चारों ही ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं, तो इसमें से बताइए WCC 75 किसकी किस्म है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, ये बाजरा की किस्म है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3। हरित बाली रोग किस फसल का प्रमुख रोग है? बाजरा का, गेहूं का, ज्वार का, मक्का का? काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आसानी से इसका आंसर कर ले जाएंगे। तो आप लोग जानते हैं हरित बाली जो रोग है ये बाजरा से संबंधित है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 पर। 4 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, कौन सी फसल केमल क्रॉप के नाम से जानी जाती है? ज्वार, बाजरा, मक्का, नेपियर घास। तो केमल क्रॉप के नाम से जो फसल जानी जाती है वो है ज्वार, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करिए, चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सी फसल को मोटे अनाज का राजा कहा जाता है? ठीक है, मोटे अनाज का राजा कहा जाता है, ज्वार, बाजरा, मक्का या जई? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ज्वार को ही मोटे अनाज का राजा कहते हैं, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, ज्वार में कौन सा विषैला अम्ल पाया जाता है? एरोसिकम, ग्लूसिनेट, सेपोनिन या प्रोसिकम? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, प्रोसिक अम्ल पाया जाता है ज्वार के अंदर। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 7 देखेंगे। भारत में सर्वप्रथम किस अनाज वाली फसल की संकर किस्म आई थी? ज्वार की, बाजरा की, मक्का की या धान की? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है, मक्का। भारत में सर्वप्रथम मक्का अनाज वाली जो फसल है संकर किस्म, इसी को सबसे पहले लाया गया था। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8। 8 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है, भारत में अनाजों की कौन सी किस्म सर्वप्रथम विकसित की गई थी? CSH1, HB1, जया, गंगा वन? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, गंगा वन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9। मक्का का पौधा होता है एक लिंगाश्रयी, द्विलिंगाश्रयी, उभय लिंगाश्रयी या सभी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि द्विलिंगाश्रयी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ये जो सीरीज है इसके अंदर एक से एक बेहतरीन क्वेश्चनों को लाए हैं, जो कि एग्रीकल्चर TGT, PGT और एग्रीकल्चर TA, इन एग्जामों के लिए बहुत ही बेहतरीन सीरीज है। तो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 जो है स्क्रीन पर है। एमास्कुलेशन की क्रिया किस फसल से संबंधित है? ज्वार से, बाजरा से, धान से या मक्का? तो एमास्कुलेशन जो क्रिया है ये संबंधित हो जाएगी मक्का से। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 11। 11 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। एमास्कुलेशन की क्रिया पौधों में
किस कारण के लिए की जाती हैं, क्यों हम एमास्कुलेशन क्रिया करते हैं मक्के के अंदर, ज़्यादा उपज प्राप्त करने के लिए, कीटों से रक्षा करने के लिए, संकर बीज प्राप्त करने के लिए या व्याधियों की रक्षा करने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, संकर बीज प्राप्ति करने के लिए एमास्कुलेशन की क्रिया करते हैं मक्के में, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संकर मक्का की बीज दर कितनी रखते हैं, 10 से 15 किलोग्राम, 15 से 18 किलोग्राम या और भी ऑप्शन देख लेते हैं, 20 से 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर, यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 13, प्रति हेक्टेयर खरीफ मक्का के पौधों की संख्या होती है 10,000, 66,000, 1,66,000 या 3,00,000। तो प्रति हेक्टेयर खरीफ मक्का के पौधों की संख्या पूछ रहा है, तो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा 66,000, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14, वायुमंडल की क्षणिक व निरंतर परिवर्तनशील अवस्था को क्या कहते हैं, जलवायु कहा जाता है, मौसम कहा जाता है, पर्यावरण कहा जाता है या सभी कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मौसम कहा जाता है, ठीक है, निरंतर परिवर्तनशील अवस्था अगर वायुमंडल में होती है तो उसको मौसम के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 15, भारत व उत्तर प्रदेश में मुख्यतः कौन सी मानसून से वर्षा होती है, उत्तर प्रदेश में बताना है, भारत के, ठीक है, दोनों में कौन से मानसून से ज़्यादा वर्षा होती है, पश्चिमी विक्षोभ, उत्तरी पूर्वी मानसून या दक्षिणी पश्चिम मानसून या ए और बी दोनों। तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो वर्षा होती है वो होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है वर्षाकालीन दिवस कहलाता है 2.5 mm से अधिक वर्षा प्रतिदिन या 2.5 mm से कम वर्षा प्रतिदिन या 2.5 mm से अधिक वर्षा प्रतिदिन या 2.5 mm प्रति वर्षा प्रतिदिन या 2.5 cm से अधिक वर्षा प्रतिदिन। तो वर्षाकालीन जो दिवस होता है, रेनी डे जिसको कहा जाता है, अगर इसमें 2.5 mm से अधिक वर्षा होती है एक दिन में तो ये हमारा रेनी डे यानी कि वर्षाकालीन दिवस कहलाता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 17, हिसार सोनाली किस्म है, धनिया की है, जीरा की है, मेथी की है, सौंफ की है। तो हिसार जो सोनाली जो किस्म है ये किस्म हो जाएगी मेथी की, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 18, मेथी में राइजोबियम की कौन सी प्रजाति काम में लेते हैं, जेपोनिकम, लेगमिनेसेरम, ट्राइफोलाई या मेलिलोटाई। तो मेथी के अंदर जो राइजोबियम काम में लेते हैं वो मेलिलोटाई काम में लेते हैं, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन कह रहा है मसालों में पाउडरी मिल्ड्यू की रोकथाम किससे करते हैं, गंधक का चूर्ण 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर, सल्फ्यूरिक अम्ल 0.1% छिड़काव या कैराथेन 0.25% का छिड़काव या उपरोक्त सभी। तो मसालों के अंदर अगर पाउडरी मिल्ड्यू फंगस लग गया है तो उसकी रोकथाम के लिए हम किसका छिड़काव करते हैं, ये सभी चीज़ों का, गंधक का भी कर सकते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल का भी, कैराथेन का, यानी डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राजस्थान में ICR का राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र कौन से ज़िले में है, ये एग्रीकल्चर सुपरवाइजर WO के लिए मोस्ट क्वेश्चन है, जलवायु यहाँ दुर्गापुर जयपुर के अंदर या जोधपुर, मंडोर, बीकानेर, जोरबील या अजमेर, तबीजी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा अजमेर तबीजी के अंदर है, ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र है ICR का, ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन कह रहा है चारे वाली फसलों का राजा कहलाती है, रिजका, जई, ज्वार, बरसीम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बरसीम को हम चारे वाली फसलों का राजा कहते हैं, ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, हे बनाने के लिए उपयुक्त फसल कौन सी है, मक्का, ज्वार, रिजका, बरसीम,
बाजरा, जई या उपयोग सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हे, यानी कि जिसके अंदर प्रोटीन की मात्रा हो, ठीक है, तो उससे हम हे बनाते हैं। जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक हो उससे साइलेज बनाते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। रिज़का और बरसीम से हम हे का निर्माण करते हैं और मक्का से क्या बनाते हैं, साइलेज का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 23। खदरावी किस फसल की किस्म है, रिज़का की, बरसीम की, खजूर की या बी और सी दोनों की। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो खदरावी जो है ये खजूर से भी संबंधित है और यहाँ पर बरसीम की भी जाति है, ठीक है। तो यहाँ पर बरसीम की वैरायटी है और ये खजूर से भी संबंधित है खदरावी। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पूसा जॉइंट किस्म है, तो बताना है पूसा जॉइंट किसकी किस्म है, बरसीम की है या नेपियर घास की, पपीता की या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर देखेंगे बरसीम की भी वैरायटी है पूसा जॉइंट, नेपियर घास की भी पूसा जॉइंट किस्म है और पपीता की भी पूसा जॉइंट किस्म है। तो तीनों चीज़ें याद रखेंगे, बरसीम, नेपियर घास और पपीता, तीनों की किस्म होती है पूसा जॉइंट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है बरसीम का आपत्तिजनक खरपतवार कौन सा है, सेंजी, अमरबेल, कासनी या उपयुक्त सभी। तो बरसीम का जो आपत्तिजनक खरपतवार होता है वो है कासनी, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 26। बरसीम के बीजों को उपचारित करने के लिए राइजोबियम की कौन सी प्रजाति काम में लेते हैं, मेलिलोटाई, फेसिलाई, ट्राईफ्लाई या जैपोनिकम। तो बरसीम को बीजों को उपचारित करने के लिए हम ट्राईफ्लाई प्रजाति का जो राइजोबियम है उसका प्रयोग लेते हैं, ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 27। रिज़का और बरसीम की पहली कटाई कब की जाती है, बुआई के 30 दिन बाद, बुआई के 45 दिन बाद, बुआई के 55 दिन बाद या बुआई के 65 दिन बाद। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बुआई के 55 दिन बाद पहली कटाई की जाती है रिज़का और बरसीम की, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है रिज़का व बरसीम में पहली कटाई में अधिक उपज प्राप्त करने के लिए कौन सी फसलें साथ में लगाई जाती हैं, कासनी व अमरबेल, कासनी व मेथी, सरसों व कासनी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, सरसों और कासनी, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 29। रिज़का व बरसीम में सरसों व कासनी अधिक उपज प्राप्त करने के लिए उगाई जाती है वह किस प्रकार की फसल का उदाहरण है, सहचर फसल या सहायक फसल या आवातरण फसल या बहुमंजिला फसलें। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी है एग्रोनॉमी का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, सहायक फसल, ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 30 पर। 30 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है रिज़का व बरसीम में अमरबेल और कासनी की रोकथाम के लिए बीजों को उपचारित करते हैं मैनकोजेब 0.2% से, बवस्टीन 0.25% से, 10% नमक के घोल से या उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 10% नमक के घोल से उपचारित करते हैं अमरबेल और कासनी की रोकथाम के लिए, ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 31। रिज़का कौन से कुल की फसल है, पोएसी, लेग्यूमिनेसी, फेबेसी या बी और सी दोनों सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि बी और सी दोनों सही है, फेबेसी और यहाँ पर लेग्यूमिनेसी, ठीक है, दोनों ही इसकी फैमिली है रिज़का की। फेबेसी कहा जाता था पहले, पुराना नाम था, अब इसको लेग्यूमिनेसी के नाम से इसको जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर देखें 32। रिज़के की फसल है एक वर्षीय है, बहुवर्षीय है, द्विवर्षीय है या ए और बी दोनों सही है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि एक वर्षीय भी है और बहुवर्षीय भी है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 33। 33 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। पशुओं में आफरा होता है मक्का व ज्वार का हरा चारा ज़्यादा खिलाने से, जौ और जई का हरा चारा ज़्यादा खिलाने से, नेपियर घास और सेवन घास ज़्यादा खिलाने से या बरसीम और रिज़का हरा चारा ज़्यादा खिलाने से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बरसीम और रिज़का हरा चारा ज़्यादा खिलाने से, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 34। सिरसा 8 किस्म किसकी है,
बरसीम की है, जय की है, रिचका की है या कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर रिचका, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 35, रेम्बलर किस्म किसकी है। तो रेम्बलर जो किस्म हो इसमें से बताना, जय की, रिचका की, बरसीम की या सूडान घास की। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, रेम्बलर जो किस्म है ये रिचका की हो जाएगी, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 36, रिचका प्रति हेक्टेयर बीज दर होती है। रिचका एक हरा चारा होता है, इसका बताना है प्रति हेक्टेयर सीड रेट कितना लगता है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, चारों ही ऑप्शन स्क्रीन पर आ चुके हैं, 15 से 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर, 20 से 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर, 25 से 30 किलोग्राम पर हेक्टेयर या 30 से 35 किलोग्राम पर हेक्टेयर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 20 से लेके 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर। ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, रिचके की फसल में बीजों को राइजोबियम की किस प्रजाति से उपचारित करते हैं, ट्राईफ्लाई, लेगमिनेसेरम, मेलिलोटाई या सभी। तो यहाँ पर राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि मेलिलोटाई से उपचारित करते हैं, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 38, रिजका का आपत्तिजनक खरपतवार है, कासनी, सेंजी, सत्यानाशी, अमरबेल। तो रिजका का जो आपत्तिजनक खरपतवार है वो हो जाएगा यहाँ पर अमरबेल। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे, कैंट किसकी किस्म है, काफ़ी फेमस और बहुत बार एग्जामों में आ चुका है, कैंट किसकी किस्म है, सोयाबीन की, बरसीम की, जय की या सभी की। तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखना कि कैंट जो है सोयाबीन की भी किस्म है, बरसीम की भी किस्म है और जय की भी किस्म है, तीनों की किस्म है, याद रखना इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सभी। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर, 40 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन कह रहा है हे एवं साइलेज दोनों के लिए उपयुक्त फसल कौन सी है, रिचका, बरसीम, जई या मक्का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, जई से हम हे भी बना सकते हैं और साइलेज भी बना सकते हैं, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, जई की किस्म है, कोचमैन, कैंट या अल्जेरियन या सभी। तो यहाँ पर राइट जो आंसर हो जाएगा वो सभी हो जाएगा, कोचमैन भी जई की किस्म है, कैंट भी जई की किस्म है और अल्जेरियन भी जय की किस्म है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 42, कौन सी फसल अल्फा अल्फा के नाम से जानी जाती है, बरसीम, रिचका, जय, नेपियर घास। तो अल्फा अल्फा के नाम से कौन सी फसल जानी जाती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा रिचका, रिचका को अल्फा अल्फा के नाम से जानते हैं, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए गर्मियों में भेड़ और बकरियों को खेतों में रखते हैं, किस जगह पर रखते हैं, कौन से राज्य में, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब या मध्य प्रदेश में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान के अंदर ऐसा किया जाता है, भूमि की उर्वरता शक्ति बढ़ाने के लिए गर्मियों में भेड़ और बकरियों को खेतों में रखते हैं, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 44 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन कह रहा है कि साधारणतया गाय और भैंस के शरीर का तापमान होता है 36.6 डिग्री सेंटीग्रेड, सेंटीग्रेड बताना है ना कि फारेनहाइट में, 38.5 डिग्री सेंटीग्रेड, 39.6 डिग्री सेंटीग्रेड या 40.4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, 38.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है गाय और भैंस का शरीर का, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट। क्वेश्चन नंबर 45, भैंस की नस्ल जो मिनी एलिफेंट के नाम से जानी जाती है, जाफराबादी, सूरती, भदावरी, मुर्रा। तो मिनी एलिफेंट के नाम से कौन सी भैंस की नस्ल जानी जाती है, वो हो जाएगी जाफराबादी, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 200 देखेंगे 46, पशुपालन में सामान्यतः पोटेशियम हाइड्रोक्साइड किस काम में आता है, चमड़ी निकालने में, बर्तन साफ करने में, सींग रोधन में या चमड़ा साफ करने में। दोस्तों यदि आप लोगों को एग्रीकल्चर TA, एग्रीकल्चर TGT, PGT, एग्रीकल्चर के किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो ईमानदारी के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, यह आपका परिवार है जो सरकारी नौकरी की तरफ ले जाएगा। तो 46 नंबर क्वेश्चन का सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि सींग रोधन में प्रयोग करते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH का, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 47 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन कह रहा है गाय में दूध का बुखार जिसको मिल्क फीवर के नाम से जानते हैं, रोग किस कारण होता है, कैल्शियम की अधिकता के कारण, कैल्शियम की कमी के कारण, फास्फोरस की कमी या दूषित चारा पानी से।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी ऑप्शन, कैल्शियम की कमी से मिल्क फीवर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 48, जिस दूध में वसा नहीं हो वह क्या कहलाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा दूध बताना है जिसके अंदर वसा नहीं होती है, उस दूध को क्या कहते हैं, टोड मिल्क कहते हैं, स्टैंडर्ड मिल्क कहते हैं, या स्किम्ड मिल्क कहते हैं, या पाश्चराइज्ड मिल्क कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, स्किम्ड मिल्क कहते हैं जिसके अंदर फैट की मात्रा नहीं रहती है, वसा निकाल ली जाती है, स्किम्ड मिल्क कहलाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, वैज्ञानिक विधि से दही जमाने के लिए गर्मियों में जामन की मात्रा कितनी रखते हैं, 1%, 2%, 3%, 4%। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वैज्ञानिक विधि से अगर दही को जमाना है तो गर्मियों में जो जामन होता है उसकी मात्रा कितनी रखते हैं, 1% रखी जाती है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, 1% रखी जाती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर। दोस्तों 50 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है दूध में पाए जाने वाला डाइसेकेराइड है सुक्रोज होता है, लैक्टोज होता है, या एगारोस होता है, या माल्टोस होता है। तो दूध में जो पाया जाने वाला डाइसेकेराइड होता है वो होता है लैक्टोज के रूप में। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 51, मुर्गियों में सर्वोत्तम मांस उत्पादन वाली नस्ल कौन सी है, लेगहॉर्न, कॉर्निश, मिनोर्का, या रोड आइसलैंड रेड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कॉर्निश जो है ये मुर्गियों की सर्वोत्तम मांस उत्पादन करने वाली नस्ल होती है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 52, मुँह पका खुरपका रोग का कारण बताना है, जीवाणु द्वारा होता है, विषाणु द्वारा होता है, कवक द्वारा होता है, या प्रोटोजोआ द्वारा। तो खुरपका मुँह पका जो रोग होता है ये वायरस डिजीज है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 53, अमृत महल एक नस्ल है, बकरी की है, भेड़ की है, भैंस की है, या गाय की है। तो अमृत महल जो नस्ल है ये गाय की काफ़ी फेमस नस्ल है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 54, 54 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यानपूर्वक पढ़िए आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है खेत की जल उपयोग दक्षता ज्ञात करते हैं, उपज बटे वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन बटे उपज, या उपज बटे जलमांग, या जलमांग बटे उपज। तो खेत की जो जल उपयोग दक्षता है WUE ज्ञात करते हैं, किससे ज्ञात करते हैं, उपज बटे जलमांग। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, उपज बटे जलमांग याद रखना। क्वेश्चन नंबर 55, बरू का प्रवर्धन किससे होता है, बरू एक प्रकार की घास होती है, इसका प्रवर्धन किसके द्वारा होता है, तना राइजोम द्वारा, जड़ राइजोम द्वारा, ट्यूबर्स द्वारा, या रनर्स के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तना राइजोम के द्वारा होता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, हिरन खुरी का प्रवर्धन किससे होता है, भूमिगत तना से, भूमिगत जड़ से, बल्ब से, या राइजोम से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भूमिगत जड़ से। ठीक है, याद रखिए बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर, भूमिगत जड़ से हिरन खुरी का प्रवर्धन होता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 57, 57 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है भारत में सबसे ज़्यादा शाकनाशी कौन सी फसल में प्रयुक्त होता है, गेहूँ में, चना में, धान में, बागवानी फसलों में। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धान के अंदर सबसे ज़्यादा शाकनाशी का प्रयोग करते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58, एलिलोपैथी है मुख्य फसलों पर खरपतवारों द्वारा लाभदायक प्रभाव, मुख्य फसलों पर खरपतवारों द्वारा हानिकारक प्रभाव, मुख्य फसलों पर सहजीवी प्रभाव, या कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, मुख्य फसलों पर खरपतवारों द्वारा हानिकारक प्रभाव एलिलोपैथी का। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 59, 59 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कौन सा खरपतवार एफेमेरल्स खरपतवार का उदाहरण है। ठीक है, तो आपको बताना है एफेमेरल्स खरपतवार का उदाहरण है गोखरू, मकोय, हजार दाना, या सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, हजार दाना। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे, निम्न में से रवि का खरपतवार कौन सा है, कृष्ण नील, प्याजी, सेंजी, या सभी। तो रवि का जो खरपतवार है वो सेंजी भी होता है, प्याजी भी होता है, और कृष्ण, तीनों खरपतवार जो हैं ये रवि के खरपतवार हैं। ठीक है, याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पर, द्विवर्षीय खरपतवार का उदाहरण है जंगली
गाजर, जंगली गोभी, जंगली प्याज या सभी। तो द्विवर्षीय खरपतवार का जो उदाहरण माना गया है वो सभी के सभी हो जाएगा, जंगली प्याज भी, जंगली गोभी और जंगली गाजर, तीनों के तीनों जो है द्विवर्षीय खरपतवार के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 62, बहुवर्षीय खरपतवार का उदाहरण है बरू, कास, गाजर घास या सभी। तो यहाँ पर जो बहुवर्षीय पूछा है वो बरू भी जो है बहुवर्षीय होता है, कास भी जो बहुवर्षीय होता है और गाजर घास, तीनों तीनों जो होते हैं ये बहुवर्षीय खरपतवार होते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 63, कौन सा खरपतवार सेडेज कहलाता है। तो सेडेज कौन सा खरपतवार कहलाता है, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। चारों ही ऑप्शन आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो सेडेज खरपतवार पूछा था, तो ऑप्शन है दूब घास, मकड़ा, मोथा या सभी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, मोथा को सेडेज घास के नाम से जानते हैं, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, पूर्णता तने का परजीवी खरपतवार है। यहाँ पर पूर्णता तने का परजीवी खरपतवार पूछा है, आरोबेंकी या रूखरी, रोलेंथस, अमरबेल। तो इन चारों में से बताइए कौन सा पूर्णता तना परजीवी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अमरबेल, ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 65, कौन सा खरपतवार गोल्डन थीरेड के नाम से जाना जाता है, अमरबेल, ओरोबेनकी या रुखड़ी, पीली सेंजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन, अमरबेल। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 66, बागवानी फसलों का अल्पतना परजीवी खरपतवार कौन सा है। अल्पतना परजीवी खरपतवार पूछा है, अमरबेल, लोरेंथस, रुखड़ी या ओरोबेनकी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा लोरेंथस, ठीक है, अल्पतना परजीवी कहलाता है ये, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 67 पर, 67 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, सरसों एवं सोलेनेसी कुल की फसलों का प्रमुखता पूर्ण जड़ परजीवी खरपतवार कौन सा है। पूर्णता जड़ परजीवी खरपतवार पूछा है, याद रखेंगे रुखड़ी, अमरबेल, ओरोबेनकी या सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, ओरोबेनकी, ठीक है। यह सरसों और सोलेनेसी कुल की जो क्रॉप्स होती हैं उसके अंदर ये पूर्णता जड़ परजीवी खरपतवार होता है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे, आ कृषि क्षेत्र के खरपतवार कौन से हैं, लेंटाना, गाजर घास, गोखरू या सभी। तो जहाँ पर कृषि आ कृषि क्षेत्र हो, जहाँ पर खेती होती ना हो, वैसे घास बहुत सारी उग जाती हैं, तो कौन से खरपतवार सबसे ज़्यादा वहाँ पर उस क्षेत्र में उगती हैं। तो ये सभी सभी खरपतवार उग जाती हैं, लेंटाना है, गाजर घास है और गोखरू। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, आ कृषि क्षेत्र के जो खरपतवार होते हैं गाजर घास, गोखरू और लेंटाना सभी सभी आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 69, खरपतवारों के नए क्षेत्रों में विस्तार रोकना क्या कहलाता है, उन्मूलन, रोकथाम, प्रतिबंध या निरोधात्मक उपाय या सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यहाँ पर प्रतिबंध लगाना, निरोधात्मक उपाय, ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 70, खरपतवारों को स्थापित होने के बाद पूर्णतः नष्ट करना क्या कहलाता है, रोकथाम कहलाएगा, उन्मूलन कहलाएगा, नियंत्रण कहलाएगा या निरोधात्मक उपाय कहलाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जामों में आ चुका है। तो ये उन्मूलन कहलाता है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर खरपतवार हैं उनको एकदम से नष्ट कर दिए हैं, ठीक है, तो वो उन्मूलन कहलाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पर, 71 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है जैविक शाकनाशी का उदाहरण है, बायो हर्बिसाइड का उदाहरण इसमें से बताना है, कोलेगो, डिवाइन, लूबायो टू या सभी। तो बायो हर्बिसाइड का उदाहरण इसमें से जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि सभी सभी, ठीक है, कोलेगो है, डिवाइन है, लूबायो टू है, ये सभी सभी बायो हर्बिसाइड कहलाते हैं, जैविक शाकनाशी जिसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 72, गाजर घास का जैविक नियंत्रण किस कीट के द्वारा किया जाता है। अब उस कीट का नाम बताना है जो गाजर घास को नियंत्रण कर सके, जैविक कंट्रोल कर सके, ठीक है, बायोलॉजिकल कंट्रोल। तो अगर उसका वैज्ञानिक नाम आपको याद है तो आसानी से आप लोग जान जाएंगे। तो उसका वैज्ञानिक नाम होता है जाइगोग्रामा बायकोलेराटा, ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जाइगोग्रामा बायकोलेराटा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 73, 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वर्णात्मक शाकनाशी का उदाहरण है, ठीक है, सेलेक्टिव हर्बिसाइड का उदाहरण पूछ रहा है, 2,4-D है,
एल्ट्राजीन है, आइसोप्रोटोरान है या सभी हैं, तो सेलेक्टिव यानी कि जो सेलेक्ट करके खरपतवार को नष्ट करे, ठीक है, और बाकी किसी चीज़ को पेड़ पौधों को नुकसान ना पहुँचाए, जिसको सेलेक्ट करे उसी को नष्ट करें, उसी को कहते हैं सेलेक्टिव हर्बिसाइड या वर्णात्मक शाकनाशी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि 2,4-D एल्ट्राजीन और आइसोप्रोटोन, ये सब जितने भी हैं तीनों के तीनों ये सेलेक्टिव हर्बिसाइड हैं, ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है और काफ़ी ज़्यादा आगे के एग्जाम में आने की संभावना है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 74, ड्रिप के अलावा सब्जियों के लिए उपयुक्त सिंचाई विधि कौन सी है। यहाँ पर ड्रिप के अलावा पूछ रहा है और कौन सी ऐसी विधि है जो सब्जियों की खेती के लिए अच्छी, सब्जियों की सिंचाई अच्छी मानी जाती है उसे, सीमांत पट्टीदार सिंचाई, क्यारी विधि, कुंड विधि या वलय सिंचाई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन, कुंड विधि, ठीक है, ये ड्रिप के बाद सब्जियों की सिंचाई की अच्छी विधि मानी जाती है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 75, फुहारा विधि कौन सी फसलों के लिए अनुपयुक्त है। उपयुक्त नहीं पूछ रहा, अनुपयुक्त पूछ रहा, धान व जूट के लिए, गेहूँ व जूट के लिए, चना व सरसों के लिए या सभी के लिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा धान और जूट, यानी धान और जूट के अंदर हम फुहारे के द्वारा सिंचाई नहीं कर सकते हैं, बाकी गेहूँ है, जूट है, चना, सरसों, इन सभी में सिंचाई कर सकते हैं, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 76, फुहारा विधि कौन सी मृदा के लिए अनुपयुक्त है। तो यहाँ पर भी अनुपयुक्त शब्द आया है, क्ले मृदा, बालू मृदा, पछारी मृदा या दोमट मृदा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्ले मृदा यानी कि काली मृदा, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 77, फुहारा विधि में सतही विधि के मुकाबले पानी की बचत कितनी होती है। बहुत बार एग्जामों में आ चुका है, ऑप्शन देखते हैं 25-30, 40 या 50-70 या 20%, ठीक है, तो इन चारों में से बताइए कौन सा राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन, ठीक है, 40% बचत होती है सतही सिंचाई की अपेक्षा, फुहारा विधि में सतही विधि के मुकाबले पानी की जो बचत होती है 40% होती है, याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पर। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियो हम रोज़ाना लेकर आते हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 78 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है फुहारा संयंत्र का दबाव कितना होता है। 2.0 से लेकर 3.0 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर या 2.5 से लेकर 4.5 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर या 3.5 से लेकर 5 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर या 1 से 2 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, 2.5 से लेकर 4.5 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 79, फुहारा संयंत्र से दलहनी और तिलहनी फसलों में कब सिंचाई नहीं करनी चाहिए। यहाँ पूछ रहा है कब सिंचाई नहीं करनी चाहिए, जब वायु का वेग 12 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक हो, या जब फसल में फूल आने की अवस्था हो, या दोनों नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है, दोनों, जब वायु का वेग 12 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक हो तब नहीं सिंचाई करनी चाहिए, या जब फसल में फूल आने की अवस्था हो तब सिंचाई नहीं करें, इसलिए दोनों ही ऑप्शन हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80 नंबर देखेंगे, 80 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है फर्टिगेशन हेतु उपयुक्त सिंचाई विधि कौन सी है। फुहारा विधि, ड्रिप विधि, क्यारी विधि, वलय विधि। तो फर्टिगेशन हेतु उपयुक्त सिंचाई की विधि जो मानी गई है वो मानी गई है ड्रिप, ठीक है, ड्रिप इरिगेशन कहते हैं इसको, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 81, काली मृदाओं में जल निकास हेतु कौन सी विधि काम में लेते हैं। वर्टिकल ड्रेनेज, BVF विधि या बायो ड्रेनेज या मोल हेतु। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, BVF विधि, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 82 नंबर, दोस्तों क्वेश्चन काफ़ी आसान है। खेत के समांतर रेंडम और वेंडिंग या क्रॉस स्लेप नालियाँ बनाना जल निकास की कौन सी विधि के अंतर्गत आता है। स्थायी विधि, अस्थायी विधि, अधोपृष्ठीय जल निकास विधि या सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि स्थायी विधि कहलाती है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 83, मोल्ड हल का प्रयोग छिद्रयुक्त पाइप या
टाइल या ईंट की नालियां बनाना जल निकास की कौन सी विधि है? स्थायी पृष्ठीय जल निकास, अस्थायी पृष्ठीय जल निकास या अधोपृष्ठीय जल निकास या सभी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, अधोपृष्ठीय जल निकास। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 84। सेम समस्या मुख्यतः राज्य की कौन सी नहर से संबंधित है? IGNP, चंबल, नर्मदा नदी या गुड़गांव नदी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी जो नहर है, ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 85 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है सेम समस्या का निदान है, जिप्सम का प्रयोग, पक्की नहर निर्माण, सफ़ेदा की पंक्तियाँ लगाना या सभी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि सभी के माध्यम से हम सेम जो समस्या आती है नहरों में उसको हम दूर कर सकते हैं, ठीक है। जिप्सम का प्रयोग करके हम दूर कर सकते हैं, पक्की नहर का निर्माण करके दूर कर सकते हैं, और सफ़ेदा या बायो ड्रेनेज जिसको कहते हैं उनकी पंक्तियाँ लगाकर हम दूर कर सकते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सिंचाई के पानी का भूमि की सतह से सीधा प्रवेश करना क्या कहलाता है? अंतःस्पंदन कहलाता है, अंतःस्रावण कहलाता है, जल रिसाव कहलाता है या निक्षालन कहलाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंजीनियरिंग से संबंधित क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, अंतःस्पंदन कहलाता है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जल धारा मापने का यंत्र क्या है? जल धारा मापने का यंत्र बताना है। तो यहाँ पर जल धारा मापने का जो यंत्र हो जाएगा वो सभी के द्वारा माप सकते हैं, पार्सल फ्लूप द्वारा माप सकते हैं, वीयर द्वारा माप सकते हैं, ठीक है, अरफाई सेंस द्वारा भी माप सकते हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 88 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है प्रतिदिन के हिसाब से सर्वोत्तम या सर्वाधिक जलमांग की कौन सी फसल की होती है? तो प्रतिदिन के हिसाब से आपको बताना है सर्वाधिक जलमांग कौन सी फसल है, गन्ना है, धान है, गेहूं है या रागी है? सब लोग कन्फ्यूज होते हैं गन्ना या धान दोनों में, ये दो तो होगा नहीं, ठीक है, दो ऑप्शन काट दीजिए। अब इन दोनों में से बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिदिन के हिसाब से सर्वाधिक जलमांग वाली फसल हो जाएगी हमारी बी ऑप्शन धान, ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 89, निम्न में से कौन सी फसल की जलमांग जल उपयोग दक्षता सर्वाधिक होती है? तो बताना है कौन सी फसल की जल उपयोग दक्षता जिसको WUE कहा जाता है सर्वाधिक होती है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। तो चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो यहाँ देखेंगे मक्का है, ज्वार है, गेहूं है, धान है। तो जल उपयोग दक्षता सबसे अधिक जो कौन सी क्रॉप के अंदर देखने को मिलती है, गेहूं के अंदर। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 90, सर्वाधिक बीजों की संख्या किस खरपतवार के पौधों में पाई जाती है? बथुआ, अमरबेल, गेहूसा या जंगली चौलाई? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा जंगली चौलाई, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 91, द्विवर्षीय खरपतवारों का उदाहरण है, ऐसा खरपतवार का नाम बताना है जो द्विवर्षीय हो, ठीक है, जंगली गाजर, जंगली गोभी, जंगली प्याज या सभी? तो द्विवर्षीय का जो उदाहरण जो है इसमें ये सभी द्विवर्षीय में आएंगे। जंगली गाजर की बात कर लें या जंगली गोभी या जंगली प्याज, ये सभी आ जाएंगे द्विवर्षीय खरपतवार के अंदर, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 92, कौन सा खरपतवार विदेशी या एलियन खरपतवार कहलाता है? गाजर घास, गेहूसा, लेंटाना या सभी? तो विदेशी खरपतवार कौन सा कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि लेंटाना जो है ये भी विदेशी खरपतवार है, गेहूसा है, गाजर घास है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 93 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कि शैतान खरपतवार का उदाहरण है। तो शैतान खरपतवार का उदाहरण इसमें पूछा है मोथा, दूब घास, जलकुंभी या सभी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सभी, ठीक है। मोथा को भी शैतान के नाम से जानते हैं, दूब घास, जलकुंभी, ये सभी आ जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 94, गेहूं का आपत्तिजनक खरपतवार कौन सा है? गेहूसा है, हिरन खुरी है, प्याजी है, कृष्णेल है? काफ़ी आसान क्वेश्चन है ये। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गेहूं का जो आपत्तिजनक खरपतवार है वो हो जाएगा हिरन खुरी, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर देखते हैं 95। भारत में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा खरपतवार नाशी प्रयुक्त होता है, ब्यूटाक्लोर, आइसोप्रोटोरॉन, सल्फोसल्फ्यूरॉन या 2,4-D? तो भारत के अंदर सबसे ज़्यादा जो खरपतवार नाशी प्रयुक्त होता है वो प्रयोग किया जाता है आइसोप्रोटोरॉन का। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 96। निम्न में से संपर्क शाकनाशी का उदाहरण है, ठीक है, कंटैक्ट शाकनाशी, संपर्क खरपतवार नाशी, शाकनाशी का उदाहरण बताना है, पैराक्वाट, प्रोपेनिल, डाइक्वाट या सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सभी के सभी, यानी कि पैराक्वाट, प्रोपेनिल और डाइक्वाट तीनों के तीनों जो शाकनाशी हैं ये संपर्क शाकनाशी है, यानी कि इस दवा के अगर संपर्क में आएंगे तो खरपतवार नष्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 97 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है दालों एवं कपास में, दाल के अंदर बताना है और कपास के अंदर बताना है, दालों और कपास में कौन सा खरपतवार नाशक काम में नहीं लेते हैं, डायूरान, मोनो यूरॉन या 2,4-D या सभी। तो दाल और कपास के अंदर कौन सा खरपतवार नाशी जो है काम में नहीं लेते हैं, तो डी ऑप्शन यहाँ पर जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, 2,4-D का प्रयोग इसमें नहीं लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 98। नियोचेटाना ब्रूची कीट द्वारा कौन सा खरपतवार नियंत्रण होता है, कल के वीडियो में भी आ चुका था ये, नियोचेटिना ब्रूची कीट कौन से खरपतवार को नष्ट करता है या उससे कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है, लेंटाना, गाजर घास, मोथा, जलकुंभी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जलकुंभी। ठीक है, इस खरपतवार को ये नष्ट कर देता है, ये एक प्रकार का जैविक कंट्रोल होता है, बायोलॉजिकल कंट्रोल। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 99। कारफेंटाफ्राइजोन या क्लोरोफॉस प्रोपेगिल किसके शाकनाशी हैं, धान के हैं, सब्जियां के, गेहूं के या गन्ना के। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन गेहूं, सी ऑप्शन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, कारपेंटाफ्राइजोन। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहां पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 100 जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है धान की नर्सरी का महत्वपूर्ण शाकनाशी कौन सा है, एनिलोफॉस, ब्यूटाक्लोर, प्रोपेनिल या ए और बी दोनों सही हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों सही हैं, यानी कि ए ऑप्शन देख सकते हैं एनिलोफॉस, ये भी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बी ऑप्शन ब्यूटाक्लोर, ये भी धान की नर्सरी के महत्वपूर्ण शाकनाशी होते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों करेक्ट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त हुई, आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कमेंट के अंदर बताइएगा, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, पसंद आए दोस्तों में शेयर करिए। कल फिर मुलाकात करते हैं, 100 क्वेश्चनों को लेके आएंगे जो कि मोस्ट और इम्पोर्टेंट साबित होंगे परीक्षा की दृष्टि से। तो इस वीडियो को एक बार या दो बार पढ़ने की कोशिश ज़रूर करिएगा ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएं। कल फिर मुलाकात करते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।